तेल को गरम कर लेना है। उसमें हम स्लाइस की हुई अनियन डालेंगे। मैंने 1.25 किलो मीट के लिए 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और उन्हें मैंने अच्छे से बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है और अब मैंने उन्हें ऑयल में डालकर सॉटे कर लेना है। जैसे ही हमारी अनियन सॉटे हो जाएगी, हम सारी अनियन को कुकर से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम हरी इलायची 6 से 7 हरी इलायची हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें मीट को ऐड कर देंगे। मीट डालकर 2 मिनट हम इसे ऐसे ही भूनेंगे, जब तक कि मीट में से जो घी आती है, स्मेल आती है, वो ना निकल जाए। कंटिन्यू स्टिर करते हुए हम मीट को भूनेंगे। जब मीट में से सारा पानी खुश्क हो जाएगा, वो तेल छोड़ देगा, तब हम इसके अंदर 1.5 स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में जाएगा हमारा स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम मीट के साथ मिक्स कर लेंगे, जब तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से ना भुन जाए। फिर जाएगा इसमें पानी और फिर कुकर की लिड लगाकर 80% तक कुक करना है हमें मीट को। अब हमें ग्राइंडर में अपनी ब्राउन अनियन लेनी है, उसमें डालना है हमें दही और काफ़ी सारे काजू और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। 7 विसल आने के बाद अब मैं कुकर की लिड को खोलूँगी और मीट को चेक करूँगी कि ये कैसा गला है। हमारा मीट 80% तक गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा, उसके साथ ही जो हमने फाइन पेस्ट तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा हमारा कोरमा मसाला, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। साथ में हमारा जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे, जब तक कि मीट हमारा तेल ना छोड़ने लगे। जैसे ही हमारा मीट ऑयल छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वापस से लिड लगाकर पूरा मीट अच्छी तरीके से गला लेंगे। मैंने 3 विसिल्स और लगा दी थी। अब हम इसकी लिड खोलेंगे। ये देखिए, मसाले से ऑयल पूरी तरीके से अलग हो गया है और कितने अच्छी तरीके से हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हम मखाने ऐड करेंगे और साथ में हम जायफल और जावित्री पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे कोरमे का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा और कोरमा बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देगा। एंड अब है हमारा सर्विंग टाइम। आप भी ये कोरमे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।